मेरे साथ हुमैरा मुश्ताक हैं। ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कार रेसल के टाइटल को जो है वो चेज किया है, और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला हैं। और जहां तक बात करते हैं, हम एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहते हैं जहां पर आज भी पुरुषों का इतना दबाव है रेसिंग को लेकर, यानी जहाँ तक हम बात करते हैं कार चलाने को लेकर, तो महिलाओं का नाम दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन हुमैरा मुश्ताक जो है वो एक कदम आगे पहुँच चुकी हैं। सबसे पहले मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको ये टाइटल चेस करके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये जहाँ पर चैंपियनशिप की बात करते हैं, ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप चेन्नई में हुई थी, तो तब कैसी फीलिंग आई आपको, और जब आपने अपनी वालिदा को बताया तब सब कुछ कैसा था? मेरे लिए तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। आई वॉज द फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट वेमेन and the first candidate from Jammu and Kashmir who was representing my state for this MRF National Racing Championship, and where I had my first jahan maine apna pehla podium prapt kiya. To it's been a mere liye bahut I'm very happy. बिल्कुल, इनके लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है, हम सब जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी जगहों में जाकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये जीत के भी आई हैं। 14 साल की उम्र के बारे में आपकी सुना है कि 14 साल की उम्र के बारे में आप पूरी तरह से जो है वो ड्राइविंग सीख चुकी थी, उसके बारे में बताएं। चल, 14 साल की उम्र में आई वॉज अ स्ट्रीट रेसर, मैं स्ट्रीट रेसर थी, एंड आई यूज्ड टू पुल ऑल द स्टंट्स बैक इन द डे। All these things I used to do, drifting, donuts, all these things. I was self-learned driver. साथ साथ अब अपने अब्बू का जिक्र करती हैं कि वही आपकी मोटिवेशन है, उन्होंने जो रोल प्ले किया है आपको यहाँ तक पहुँचाने में, शायद किसी ने नहीं किया होगा जितनी, और आपके अब्बू की आप एक बात जो है वो जाहिर करती हैं, बताती हैं कि आपके अब्बू ने आपकी अम्मी को कहा था कि आपको कभी ना रोके, तो शायद कभी नहीं रोका, तो इसलिए आपकी उड़ान चेन्नई तक चलती गई। जी हाँ, मेरे वालिद साहब का बहुत इसमें योगदान रहा है। इनफैक्ट आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 14। ही वाज माय फर्स्ट कोच, ही वाज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव ऑफ माय रेसिंग करियर, वो मेरे रेसिंग करियर को लेके बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तब तो खैर ऐसा करियर था ही नहीं फीमेल्स के लिए, सो बिकॉज बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, ही वॉज रियली इंस्पायरिंग। उन्होंने मुझे बहुत बचपन से, यू नो, आई गॉट इन टू रोटैक्स एंड गो कार्टिंग एट अ वेरी यंग एज, एंड आई मूव माई वे टू सिंगल सीटर्स, एंड देन आई मूव टू टूरिंग कार्स। सो उनका बहुत मेरी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस रहा है, एंड आज वो नहीं है, मगर आई एम श्योर हिज अबव द हेवंस, एंड यू नो हिज स्माइलिंग, एंड आई एम श्योर ही इज रियली हैप्पी, वुड हैव बीन द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बहुत खुश होते हैं आज। लाइफ में कैसे ऑब्स्टिकल्स को आपने फेस किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में रहता है। वेल, ऑब्स्टिकल्स नहीं कहूँगी मैं, चैलेंजेस कहूँगी, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही है। इनफैक्ट जो मैंने प्रोफेशन लिया वो खुद एक इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ। सो बट फॉर मी आई थिंक व्हाट आई फाइट फॉर, मेरी लड़ाई हमेशा अपने आप से रहती है, बिकॉज आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो चैलेंजेस तो तभी शुरू हो गए थे जब मैंने घर से ये इस चीज़ का डिसीजन लिया था कि मैं जाऊंगी और मैं रेसिंग करूंगी। तो मेरी मदर ने भी उस वक्त मुझे कहा था कि देखो, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी इजी, आसान नहीं होने वाला, मगर यह है कि अगर तुम मजबूत रहोगी और यू नो यू विल बी स्ट्रांग, यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज पीपल आर नॉट यूज्ड टू सीइंग दीस थिंग टाइप ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम वुमेन, एंड स्पेशली द वंस फ्रॉम लाइक फ्रॉम वेयर यू कम। सो जस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। और वो हमेशा मेरे साथ रहा है, एंड ऑलवेज आई एम समवन हु इज ड्रिवन बाय पैशन। मुझे जो भी काम करना होता है, मुझे उसमें पैशन बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को देख के या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं कर सकती का, मुझे जो भी चीज़ें, इट शुड बी समथिंग दैट शुड, यू नो, व्हाट आई वुड कॉल, आई शुड हैव अ पैशन फॉर दैट, आई शुड हैव समथिंग फॉर दैट। आपने कहा कि ऑब्स्टिकल नहीं कहेंगे, चैलेंजेस कहेंगे, आपने अपनी लाइफ को जो है वो एक चैलेंजेस की तरह फेस किया है कि चैलेंजेस आ रहे हैं तो आगे बढ़ते जाएं। जब आपकी मदर की बात करते हैं, मदर जो है वो अपनी लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा जहाँ पर कहते हैं कि उनको पकड़ के रखती हैं, क्योंकि लोगों की सोसाइटी की बातों से जो है वो डर लगता है, तो किस तरह से आपकी मदर ने सोसाइटी के साथ साथ आपको भी सपोर्ट किया? My mother actually, of course, I mean, my mother is very strict, but she's, she knows, like, because
मेरी मदर ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, नॉट जस्ट इमोशनली, बिकॉज एज एन एथलीट आपको एक इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, बट नॉट जस्ट इमोशनली, इवन इन एवरी एस्पेक्ट. आई मीन शी इज़ ऑलवेज बिन माई लाइक द बेस्ट पेप टॉक आई एवर हैड. हर चैम्पियनशिप से पहले मैं उनसे जाके यू नो, और वो मुझे हमेशा मतलब हर चीज़ के लिए इंस्पायर करती. इनफैक्ट फाइनेंशियली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सो ये ऑफकोर्स माई मदर हैज़ बिन रियली हेल्पफुल इन एवरी रिगार्ड, जस्ट लाइक एवरी अदर पेरेंट. लास्ट में आपका कोई मैसेज है, मतलब बहुत सारी वुमेन्स हैं आपको देख रही हैं जो आपने पैशन चूज़ किया है, वो भी बहुत एक हटके, जिसे हम कहेंगे कि डिफरेंट प्रोफेशन है बाकी सारी चीज़ों से, लेकिन अगर आपको कोई देख के इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, किसी के दिल में हो कि मैं ऐसा बनना चाहूँगा, आज आपको देख कर अगर वो इस पाथ पर निकल पड़े तो कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मेरा मैसेज सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मेरा मैसेज सबके लिए है. नॉट जस्ट फॉर द यूथ, फॉर एनी वन, यू कुड बी ऑफ एनी एज. मैं हर एक को कहती हूँ, आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, आप किसी भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी नेशनैलिटी या किसी भी जगह से आ सकते हैं. आप अगर कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, यू शुड हैव अ पैशन. आपको उसको उस चीज़ में दिल से उसको करना चाहिए, किसी के कहने पे या किसी को देख के या किसी को कि हाँ वो बंदा इससे पैसे कमा रहा है तो मैं भी उधर ही जाऊँगा, या ये सोसाइटी इसको अच्छा समझ, मैं भी यहाँ. जो चीज़ आपको लगता है कि यू नो ये मेरे लिए बनी, वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू इन लाइफ, आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं, ये मेरा लाइफ का पर्पस है, मैं इसके लिए बनी हूँ. सो जिस दिन आपको ये आ गया ना, सो दीज थिंग्स, आई मीन आप खुद अपनी खुद की एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, बिकॉज यू विल बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू वर यस्टरडे. तो जब आप देखेंगे ना, नहीं कल से मैं आज बहुत आगे आ चुकी हूँ, तो एक ऑटोमेटिकली एक अंदर से आपको आएगा, एंड देन यू नो देन स्काई इज द लिमिट. बिल्कुल. एक और सवाल आया है, मतलब मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ जाते हुए. आप मुझे ये बताइए कि आप बहुत जगहों पर गए, अब्रॉड में गए, मतलब इंडिया की भी अलग अलग स्टेट्स पर गए, लेकिन आपने क्या चीज़ें नोटिस की कि आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है JNK में भी ऐसा होना चाहिए? JNK इज ब्यूटिफुल. JNK तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज स्टेट्स इन द वर्ल्ड. आई लव इट. आई कैन गो टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, बट आई स्टिल हैव लव फॉर माई ओन स्टेट. सो आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स प्रोग्रेसिंग एंड इट्स ऑन द राइट पाथ. अभी आगे का आपका नेक्स्ट क्या है कि आपको कौन से माइल स्टोन को टच करना? आई विल गो इंटरनेशनल. या चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लोग भी आपके लिए दुआएं करें. तो ये थी हमारे साथ हुमैरा मुश्ताक, जो जम्मू कश्मीर से ही है, और स्पेशली आप कहाँ रहती हैं जम्मू में, क्योंकि सब लोग जानना चाहेंगे आप कहाँ रहती हैं जम्मू. हाँ, मैं बठिंडी में रहती हूँ. नियर नहीं बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, बाकी बठिंडी में रहते हैं. और इनका नाम जो है हुमैरा मुश्ताक है, इनका जो आगे अब इंटरनेशनल जाने का सपना है, आप इनके लिए दुआएं करें, और स्पेशली इनकी अम्मी के लिए और इनके अब्बू के लिए जो इनके लिए सपोर्ट बने हैं. और ये पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जम्मू कश्मीर से जो कार रेस है, उन्होंने एक माइलस्टोन को टच किया. आप भी दुआएं करें ताकि आगे भी ये JNK को जो है रिप्रेजेंट करते रहे. तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन. आशिया खान के साथ.